नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में चाय को लेकर। केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार सरकार भी किसानों को मुनाफा दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे में किसानों की उपज में कैसे बढ़ोतरी हो सके, साथ ही उनके अनाज का पर्याप्त मूल्य मिल सके, इसको लेकर बिहार सरकार लगातार कार्य कर रही है। ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से बिहार में चाय के उत्पाद पर विशेष ध्यान दिया गया है। बता दें कि बिहार सरकार ने चाय को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए बिहार सरकार का कृषि विभाग अपने स्तर से कार्य कर रहा है। उसे पूरे प्रकरण को लेकर बोलते हुए बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार का यह उद्देश्य है कि बिहार में उत्पादित एवं प्रसंस्कृत चाय को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने की। बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से भारतीय चाय बोर्ड में बिहार के प्रतिनिधि को शामिल करने की बात कही गई है, जो कि अभी तक नहीं है। आपको बता दें कि बिहार में चाय का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, लेकिन भारतीय चाय बोर्ड में बिहार का प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसे में बिहार सरकार की सबसे पहली योजना यही है कि बिहार सरकार केंद्र सरकार द्वारा स्थापित चाय बोर्ड में शामिल हो, ताकि बिहार अपने चाय का निर्यात कर सके। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर बिहार सरकार की यह स्कीम सफल रहता है तो चाय किसान की आमदनी दोगुनी हो सकती है। ऐसे में अब बिहार सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि बिहार में 10,000 एकड़ से अधिक इलाके में चाय का उत्पादन होता है। सरकार की तरफ से जारी डाटा को अगर हम देखें तो उसमें बताया गया है कि पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन हुआ है। इस साल यानी कि बिहार में 75 लाख किलो चाय का उत्पादन हुआ है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार पूरे देश में चाय के उत्पादन के मामले में 5वें स्थान पर है, लेकिन उसके बाद भी बिहार सरकार की एजेंसी में रजिस्टर्ड नहीं है। चाय की खेती को लेकर बिहार सरकार उन किसानों को 50% की राशि दी जाती है। बिहार सरकार उन किसानों को 2 किस्तों में अनुदान देती है। पहले किस्त में 75% की राशि दी जाती है, जबकि दूसरी किस्त में 25% की राशि जो है उन्हें दी जाती है। आपको बता दें कि चाय की खेती को लेकर 2 सालों में इनका अनुदान जो है वो पूरा होता है। ऐसे में बिहार सरकार जो है चाय के किसानों को लेकर खास करके अगर हम बात कर लें तो एक तो अनुदान देती है, दूसरा अब उनका जो उत्पादन है यानी कि जो चाय है, जो उसका आखिरी प्रोडक्ट है, उससे जो है हम कैसे और भी बाज़ार में ले जा सकें, देश विदेश के मार्केट में ले जा सकें, ताकि किसानों को मुनाफा हो सके। मीडिया में चल रही खबरों की अगर हम बात करें तो कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में इन दिनों छोटे छोटे व्यापार को लेकर अपना भविष्य तलाश रहे, यानी कि लोग जो है अब छोटे छोटे व्यापार में भी अपना भविष्य तलाश रहे। बता दें कि पिछले दिनों कई लोग हैं जिन्होंने उद्यमी नमकीन, चिप्स, फ्रूट जूस, शहद आदि के व्यापार का प्रस्ताव जो है सरकार के पास भेजा है। सरकार की तरफ से भी जारी आंकड़े को अगर हम देखें तो बताया गया है कि 22 मार्च से लेकर 21 अप्रैल तक का जो डाटा आया है उसमें यह बताया गया है कि इस दौरान कुल 31 निवेशकों ने अपना जो है प्रस्ताव सरकार के सामने रखा, जिसमें से 14 प्रस्ताव खाद्य यानी कि खाने के पदार्थ से जुड़ा हुआ था। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि बिहार में स्नैक्स, फ्रूट जूस, सरसों तेल, लाइस मिल, टेक्सटाइल, प्रिंटिंग, इन सब चीज़ों पे जो है बिहार सरकार और एक तरह से कह लें कि बिहार के लोग जो है वो जोर दे रहे हैं, ताकि जो है वो इन क्षेत्रों में रोज़गार स्थापित कर सके। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि बिहार में रोज़गार के लिए नए अवसर खुलने लगे हैं और बिहार सरकार भी जो है नए रोज़गार को लेकर लोगों को अनुदान दे रही है, उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रही है, ताकि जो है वो खुद तो एक अपना व्यवसाय शुरू कर ही सके, साथ ही साथ कुछ लोगों को रोज़गार भी दे सके। बिहार और बिहार में जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।